अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग निकल गए यहाँ से अपने होटल से, और यहाँ पे पीछे हमने किया था ब्रेकफास्ट वगैरह। तो अभी हम जा रहे हैं इन दोनों को सेंटर छोड़ने के लिए, इन दोनों का, क्योंकि सेंटर जो है ना वो अलग अलग जगह पर आए। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, लेते हैं ऑटो और आगे चलते हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग सेंटर है, दोनों को अलग अलग जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ रेलवे स्टेशन के पास में ही दरगाह वगैरह है यहाँ पर अभी हैं, और सो ये मगरा मार्केट अभी ओपन हो रहा है, यहाँ से निकलना पड़ेगा हमें अलग अलग। सो ये मेरी छोटी सिस्टर है, वो मेरी कज़न्स हैं, उसका अलग सेंटर है, इसका अलग सेंटर है। तो निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं, चलो। सो गाइस, मिल गया हमें यहाँ से ऑटो, और हम लोग दोनों अलग अलग हो गए हैं। मेरे साथ मेरी छोटी सिस्टर है और मेरे जो कज़न्स हैं वो लोग अलग ऑटो में जा रहे हैं, क्योंकि दोनों का स्कूल एकदम अपोजिट है। तो अभी हम जा रहे हैं ख्वाजा स्कूल, जिसका सेंटर है ख्वाजा में। तो अभी हमने एक ऑटो बुक किया है और ऑटो वाले भैया हमें लेके जा रहे हैं ख्वाजा स्कूल। सो कुछ बाहर का व्यू ऐसा है, ये स्टेशन के पास में ही है बिल्कुल। अभी हम स्टेशन के पास में ही हम लोगों ने स्टे किया था, क्योंकि एक्चुअली में अभी स्टेशन है, आप देख सकते हैं। तो अभी जाते हैं सीधा स्कूल, और इसके बाद कहीं चलते हैं इनको छोड़ने के बाद कहीं घूमने के लिए। देखते हैं यहाँ पे अजमेर का फेमस क्या क्या है, यहाँ पे कुछ फूड वगैरह ट्राई करेंगे और कुछ जगह को विज़िट करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। और आज इंटरनेट बिल्कुल यहाँ पे क्लोज़ कर रखा है, बंद कर रखा है, क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से यहाँ पे इंटरनेट की सारी सेवाएँ सब कोई कनेक्शन नहीं है। रात को चल रहा था, बट सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठा और मेरे को वापस से ट्रेन की बुक करना था, तो उसके लिए मुझे इंटरनेट नहीं मिला। तो अभी ऑटो में बहुत सीखी शॉट आया, तो इंटरनेट नहीं मिला और कोई पोस्ट नहीं कर सकता। और आज है संडे 26, और आज एक 10 बजे मेरा वीडियो आ रहा है, और आज जाके चेक करना, ये वाला वीडियो बाद में आया इसके बाद, बट वो वाला वीडियो जाके चेक करना, उसमें मैं बहुत अच्छा ब्लॉग रहा है। आज बहुत ही लोकल एक स्कूटर जो होता है उसकी सवारी कर रहे हैं, तो कहते हैं ये पैसेंजर ऑटो होते हैं, वहाँ पे आपको 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ में आपको मिल जाते हैं। तो आज हम इसकी सवारी कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि हमें थोड़ा वेन्यू हमारा दूर है, जो स्कूल है ख्वाजा स्कूल सिविल लाइन पड़ता है, तो वहाँ पर है। ये है राजकीय कन्या विद्यालय, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं और बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो जितने भी स्कूल्स वगैरह ना यहाँ पे सारे इस समय बिज़ी रहेंगे, क्योंकि सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं। पीछे की तरफ बहुत सारे बच्चे, तो अभी हमारे शायद स्कूल में भी बहुत भीड़ होने वाली है। चलो चलते हैं। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं ख्वाजा स्कूल, और स्कूल हमारे सामने ही है। ऑटो वाले ने हमें यहाँ पे पीछे छोड़ दिया और वो आगे निकल गया, और मैं दिखाऊँ हमने। सो ये बिल्डिंग जो है ये है ख्वाजा स्कूल की, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से एंट्री करने के लिए। देखते हैं यहाँ पे, अभी तो क्राउड तो नहीं दिख रहा, आगे जाके पता चलेगा कितना क्राउड है कितना नहीं है, क्योंकि हर स्कूल के आगे क्राउड है, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा, तो यहाँ भी बहुत सारा क्राउड होगा। चलो चलते हैं सीधा स्कूल के बाहर, मिलते हैं। सो गाइस, ये है रेडी जाने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में कर देना कॉन्ग्रेचुलेशन। और मेरा सा स्कूल ख्वाजा मॉडल स्कूल अजमेर, बहुत सारे क्राउड है एंट्री करने के लिए। चलो आप करो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी इसको कॉन्ग्रेचुलेशन, ये फटाफट बन जाए टीचर, आपकी दुआओं में। सो गाइस, मैं निकल गया हूँ स्कूल से बाहर, पीछे स्कूल है वो। सो मैं वहाँ से निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ अपने कज़न के पास, और हम लोग मिलते हैं और हम जाके कुछ अजमेर में एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक वो है आपका, यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, तो हम लोग सोच रहे कि पहले नियर बाय म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम चलते हैं, यहाँ से उसको विज़िट करते हैं। तो
गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ पे एक म्यूज़ियम है वहाँ पर आया हूँ और मेरे पीछे म्यूज़ियम है और सामने बड़ा सा एक मॉल बन रहा है। तो अभी पे चाय की चुस्की और उसके बाद निकलते हैं अंदर क्योंकि मेरा कज़न जो है वो अंदर ही है। तो अंदर चलते हैं सीधा चाय पी के निकलते हैं। गाइस हम लोग आ गए हैं और ये मेरा कज़न ये मुझे मिल गया। इसको लस्सी ट्राई करनी है तो लस्सी पी रहा है अभी। और सामने है म्यूज़ियम तो अभी हम वहाँ पे जाने वाले हैं अजमेर का म्यूज़ियम। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें देखने को मिलता है। और सोच रहा हूँ आने के बाद ना मैं ये चाट ट्राई करूँगा, शंकर चाट बहुत फेमस है। देखो कि कितनी रश लगा हुआ है, कितना रश हो रखा है। सो इसको भी आगे करेंगे ट्राई। अभी इसको लस्सी पीने के बाद चलते हैं सीधा म्यूज़ियम, म्यूज़ियम में करते हैं विज़िट और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है म्यूज़ियम में। तो गाइस ये है किले के एकदम जस्ट राइट लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा टिकट घर। और अगर मैं आपको टिकट घर का प्राइस बताऊँ तो ये है, आप स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। सो और ये रहा मेरा टिकट और चलो एंट्री करते हैं और चलते हैं यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए। जब आप एंट्री करोगे इस वाले गेट से तो आप सीधा आ सकते हैं। यहाँ पे है अकबर फोर्ट अजमेर, इस किले का नाम है। तो एक किला है यहाँ पे, पहले हम किले में कर रहे हैं एंट्री। और यहाँ पर आप दोनों में निर्देश देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट करके देख लेना। किला बहुत खाली सा है, अपन दोनों घूम रहे हैं यहाँ पे। वन फिफ्टी ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा, ओके ऐसा कुछ है यहाँ पे स्टार्टिंग में। और अंदर कुछ प्लांट्स वगैरह इधर है, बड़ी अच्छे प्लांट्स हैं। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, कुछ काम कर रहे हैं भाई लोग अपने। इसको पेंट किया जा रहा है ताकि मेंटेन रह सके यहाँ पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय की बजट घोषणा के, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट करके या पॉज करके देख सकते हैं वीडियो। और यहाँ पे क्या है, गैलरी तो एग्जीबिशन है यहाँ पे गैलरी। तो अभी इसको विज़िट करते हैं, तो आप विज़िट करते हो सामने आपको मिलेगा यहाँ पर ऐसे कुछ यूनिक चीज़ें देखने को। मतलब ये भी सिर्फ पेंटिंग में लिखा हुआ है और ये किले का पूरा के बारे में, राजकीय संग्रहालय अजमेर लगभग 5000 वर्ष प्राचीन। भाई ये जो आपको दिख रहा है ये फोर्ट है टूटा हुआ, बट ये 5000 साल पुराना है। और सेम ये भी, ये फोर्ट भी गाइस 5000 साल पुराने हैं। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे हैं ये भी प्राचीन 5000, सब चीज़ें जो है ना मिनिएचर पॉट, ये भी लगभग 5000 साल पुराना है। वेट यानी हिंदी में बोलते हैं इसको बाट। तो जैसे कि हम देखते हैं आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चल गया डिजिटल वाला, बट पहले चलते थे बाट। तो ये इतने छोटे छोटे हैं, 1593 हो गया, 1596 हो गया, 1593, 1594, 1595, मतलब बहुत ही पुराना है। ये है सिलबट्टा, हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सिलबट्टा, चटनी वगैरह जो हम बनाते थे। ये 5000 साल पहले कुछ ऐसे होते थे। मोंजोदाड़ो हाँ, ये पक्की ईंट है गाइस। ये है गाइस,
गाइस ये हैं बैंगल्स जो हम लोग लेडीज़ लोग जो पहनती हैं, पक्की ईंट की चूड़ियाँ। तो पहले मिट्टी की चूड़ियाँ पहनते थे, मतलब ये इस तरीके की होती थी। और खेलने की गोटियाँ, मतलब कि डाइस जो होते हैं जो हम लोग शतरंज वगैरह में यूज़ करते हैं, तो पहले कुछ इस तरह की चलती थी। सो ये भी है गोलक, ये बॉल्स हैं कुछ, और ये है खेलने की गोटियाँ सेम, और ये है पक्की मिट्टी की चूड़ियाँ, और ये है इंद्रगोप मनके, और यहाँ पर है पक्की मिट्टी के मनके। ये है मनके, इसको मनके बोला जाता है। यानी ये सब 5000 गाइस, यहाँ पे जितना भी कुछ आप देख रहे हो, ये सब गाइस जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हो सब, ये 5000 ईयर्स पुराना है और बहुत प्राचीन। मतलब कि मेरे पीछे यहाँ पर आपको जैसे मैंने कुल्हाड़ी वगैरह दिखाई, एक बड़ा सा पॉट रखा है, और जितनी भी सब चीज़ें हैं ना यहाँ पे सब मिट्टी की हैं, और ये सब 5000 ईयर्स पुरानी हैं। सो मैं सब चीज़ें की आपको एक ओवरऑल वीडियो दिखा दूँगा, आप सब देख लेना एक बार में, आपको दिख जाएगा। तो अभी हमें जितना भी अभी यहाँ पे देखा सब मिट्टी का है, और सब में लिखा हुआ है कि 5000 ईयर्स पुराना है। अभी जितनी भी गैलरी देखी ना हमने, किसी में मिट्टी के बर्तन थे, किसी में पेंटिंग्स और मूर्तियां थी, बट अभी एक गैलरी मिली है हमें वेपन्स की। तो अभी वेपन्स वाले को देखने विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। एक बार आपको दिखाऊं सामने से मैं, अगर सेवन नंबर नहीं, सिक्स नंबर, ये है वेपन गैलरी। तो एक बार अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है और हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पर। कोई बंदा बैठा है यहाँ पे ना, ये हाथ के तरीके लग रहे हैं, एक एक चीज है, हाथों पे बाल सब चीज़ें वहाँ भी ऐसे देख रहे हैं रियल, पर उनकी ज़्यादा